इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां के बार में गोलीकांड का जो मामला है उसमें डीजे पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। ये ब्रेकिंग अपडेट है। मुख्य आरोपी समेत चार लोग गिरफ्तार। बिहार के गया से चारों की गिरफ्तारी की जानकारी। भागने की फिराक में सभी आरोपी थे। आरोपियों से रांची में पुलिस की पूछताछ होनी है। डीजे पर गोली चलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी। ये सारे आरोपी जो थे ये भागने की फिराक में थे, पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। काले कपड़ों में मुंह छिपाकर खड़ा ये आरोपी आज बड़ा मासूम बन रहा है, मगर रविवार को इसी ने रांची के बार में ऑटोमेटिक गन से एक डीजे वाले को मौत के घाट उतार दिया था। रविवार को रांची के बार के अंदर कुछ लड़कों पर लड़कियों से छेड़खानी के आरोप लगे। इसके बाद विवाद बढ़ा तो बाउंसर्स ने उन्हें पीटते हुए बाहर निकाल दिया। अपनी बेइज्जती से नाराज लड़के ऑटोमेटिक गन लेकर वापस आए, मगर तब तक बार बंद हो चुका था। सिर्फ एक डीजे बजाने वाला लड़का वहां मौजूद था। फिर क्या, शराब के नशे में एक आरोपी ने उस बेकसूर डीजे वाले को ही गोली मार दी। बार में और कोई नहीं था, केवल एक बार का डीजे था जो वापस जाने के लिए अपने गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तो उसी डीजे को गोली मारी गई है। एक बेकसूर की जान लेने के बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा तो उसने बार के बाहर भी गोलीबारी की। गोलीकांड के बाद पुलिस से बचते हुए आरोपी रांची से 230 किलोमीटर दूर बिहार के गया पहुंच गया और अपने दोस्तों की मदद से वो कहीं और भागने वाला था, मगर इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। केस को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठे। दावा है कि फायरिंग के वक्त पुलिस की गाड़ी भी उसी इलाके से गुजर रही थी, मगर फिर भी उन्हें भनक नहीं लगी। Z News.